नमस्कार, नीलेश विश्वकर्मा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं इस समय यूपी न्यूज क्लिक डॉट कॉम की खास सीरीज किस्सा गांव के विकास का। तो इसी मुहिम के तहत आज हम चल के आ पहुँचे हैं अयोध्या जिले के ब्लॉक बीकापुर के ग्राम सभा माझा सनौरा में। इस ग्राम सभा में जब हम प्रवेश किए तो हमें यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित मिले हैं इस ग्राम सभा के। हालाँकि हमने गाँव में घुसते वक्त देखा यहाँ पर यहाँ के विकास के बारे में, नाली खड़िंजा के निर्माण के बारे में देखते हुए हम यहाँ आगे थोड़ा बढ़े हैं और कुछ लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। तो आइए जानते हैं इनसे भी इनके गांव के विकास के बारे में कि अब तक प्रधान द्वारा इनके गांव में कितने विकास के कार्य किए गए हैं और कितने अभी बाधित हैं। तो आइए इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। भाई साहब नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सूर्यभान सिंह। आपको लगता है कि आपके यहाँ के जो प्रधान जी हैं विकास को लेकर के कुछ काम हम किए हैं गाँव में? हाँ, प्रधान जी तो किए हैं, सक्रिय हैं बहरहाल, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ नाली की प्रॉब्लम है, इसे दिक्कत आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये प्रधान के निधि में नहीं है नाली बनवाना? नहीं है, लेकिन उनका इतनी योजना नहीं है कि वो प्रधान 20 नाली बना सके बेस सड़क से, इसीलिए समस्या बन रही है। अच्छा जी, अच्छा विकास को लेकर के अगर हम बात करें तो प्रधान द्वारा यहाँ पे विकास कुछ किए गए हैं? नहीं नहीं, काफ़ी विकास हुआ है, जैसे कि सोलिंग हुई है, नाली भी बनवाई गई है और क्या कहते हैं इसको, शौचालय का निर्माण भी काफ़ी किए हैं। शौचालय लोगों को ज़्यादा मिला, ज़्यादा मिला है और ये सोखता का भी मतलब किए हैं निर्माण। हाँ चलिए ठीक है। क्या नाम भाई साहब? राजन वर्मा। नाली नहीं आपके गांव में? कह रहे नाली भी बनी है, तो आप क्या लगता है आपको कि नाली है कि नहीं है? नहीं, नाली जो थी मतलब जितने इनके पास इतनी, तो मतलब क्या कहते हैं, इनके पास बजट नहीं आ पाया था प्रधान जी के पास जी। तो हम लोग गांव में सबसे प्रॉब्लम है कि किनारे जो नाली बनती है, गांव वालों का कहना है गांव मतलब जो सड़क है, सड़क से 20 से नाली बने ठीक, बस ये इस चीज़ के मतलब बजट इनके पास नहीं इशू हो रहा है कह रहे हैं। नहीं, सड़क के 20 से नाली बने तो बजट बजट नहीं इशू ये हो रहा है ना। हाँ बजट मतलब इनकी बजट जहाँ से शुरू होनी है मतलब नाली, यहाँ से मतलब है ये। अच्छा अच्छा। हाँ जहाँ निकासी होनी है इनकी, इनका मतलब कहना है मतलब उतना बजट नहीं आ पा रहा है कि संयुक्त नाली यहाँ से लेके जहाँ तक निकालनी है इनको इंड तक। नहीं नहीं, अगर बीच सड़क के बजाय हम बगल से अगर नाली बनाते हैं तब बजट है तो नहीं, गांव वाले के लिए प्रॉब्लम है ना, सही है। हाँ, गांव वाले नहीं संयुक्त हो रहे हैं। अच्छा, ये बात है कि मतलब लोग अगर इधर से निकलती है दाहिने तरफ नाली निकलती है तो बाएं वाले मतलब दाहिने तरफ वाले रोक निकलाते हैं, तो इसलिए लोग कहते हैं कि रास्ते के बीच से नाली मिले और हर जगह चैम्बर दिया जाए, ये मतलब है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अनिल। अनिल, हाँ। अच्छा, आपके गाँव में नाली नहीं बनी है? नहीं, बनी तो है लेकिन बढ़ी पड़ी है इसकी। तो सफाई कर्मी नहीं आते हैं? ना, कोई नहीं आया, मैंने अभी तक नहीं देखा ही नहीं मैंने सफाई। कभी प्रधान से शिकायत किया हो सफाई कर्मी नहीं आते हैं, बुलवाई उनको? मैं तो भाई मैंने कभी नहीं बोला। मैंने आप नहीं बोले? अच्छा, आप बाहर रहते हैं? हाँ। अच्छा, बाहर आप कितने दिन पे आप गाँव में आते हैं? मैं 3 साल के बाद आया हूँ। 3 साल बाद आए हैं? 3 साल पहले जो स्थिति थी गाँव की, हमारी बात सुनिए, 3 साल बाद आप आए हैं गांव में, 3 साल पहले जो गांव की स्थिति थी पहले सही थी, अब क्या हो गया, कुछ बदलाव? चारों तरफ से भट्टी पड़ी है। अच्छा, पहले से कहीं खराब हो गई है? हाँ, पहले तो ज्यादा ठीक था। पहले तो ठीक था, अब देखो नाली 3 साल पहले साफ बह रही थी पहले। हालांकि 4 साल पूरे हो गए प्रधान को, कार्यकाल को लेकर के, प्रधान तो यही थे 3 साल पहले, 5 साल के प्रधान जो होते हैं 3 साल पहले यही तो थे ना। हाँ। तो वो व्यवस्था कहाँ गई जो पहले थी? अब सफाई इनके ऊपर है या बगल वालों के ऊपर है ठीक है, अब अपना अपना सब सोच। अच्छा, कुछ लाभ मिला? मुझे तो कुछ लाभ नहीं दिखाई दिया, कुछ नहीं ना। अच्छा, क्या नाम है चाचा? शालिग्राम। अच्छा, शौचालय मिला आपको? हाँ जी मिला। हाँ, कितना दिन पहले मिला? होगा वो 1 साल निकाल। 1 साल पैसा आया था खाते में? हाँ जी। कितना पैसा आया? 12,000। पूरा मिल गया था कि प्रधान जी कुछ लिए थे? नहीं, पूरा मिल गया था। पूरा मिला था? हाँ। अच्छा, कुछ गांव में कुछ लोगों को आवास भी मिला है यहाँ पे? आवास माने क्या? कॉलोनी? कॉलोनी में आपको? हाँ, भी मिला है? हाँ मिला है। आपको भी मिला है? हाँ हमको मिला है। अच्छा, कॉलोनी का पैसा कितना आया आपको? 1,20,000 बस? हाँ। और भी आता है पैसा? हाँ, बाद में हुआ है और मजदूरी का पैसा आता? हाँ, मजदूरी पैसा आया था। हाँ, मजदूरी पैसा आया था। अच्छा चलिए ठीक है। शौचालय की अगर बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिया गया है जी जी। अभी और क्या हो जाना चाहिए, सरकार को और क्या कर देना चाहिए सुविधा को लेकर गांव में? हमारे यहाँ से क्या असुविधा होती है? हमारे यहाँ लगभग हर चीज़ की सुविधा है, मगर नाली की तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। पानी की निकासी? जी हाँ, निकासी सबसे बड़ी समस्या। सबसे बड़ी समस्या पानी की है यहाँ पे, तो इसके लिए समस्या है। प्रधान जो है मौके पर वो उसको ध्यान नहीं देते हैं इसको कि नाली बनवा दे, पानी की निकासी की समस्या खत्म हो जाए। अरे वो करना चाहते हैं लेकिन लोग अपना वो करने नहीं देते, उसमें रोकबंदी करते हैं कि यहाँ ऐसे नहीं ऐसे करो, तो क्या करें वो?
अच्छा, इसीलिए नहीं बन पा रहा है। हाँ, इसीलिए लोग खुद रोक देते हैं, देते हैं, इसीलिए नहीं बन पा रहा है। अच्छा अच्छा, और सबसे ज्यादा भैया यहाँ पे हमारे नाली की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, कई भी गांव के लोग आते हैं ये बोलते हैं यहाँ कितना गंदगी किसी गांव में है ही नहीं। मैंने जैसे प्रवेश किया इस गाँव में, हमें लगा पानी रास्ते में ही सारे जमा हुए हैं। हाँ, ऐसे होता है यहाँ पे, है ही ऐसा ना, तो फिर आने जाने का जगह ही नहीं रहता। दूसरी शादी होती है तो हमारे यहाँ भैया देखिए एक ही निकासी है, बताओ कितना पानी कहाँ गिरा है। वो बाल्टी में भर भर के बाहर फेंकते हैं और नहाते भी है बाथरूम में नहा लेते, बस ऐसे करते हैं। बड़ी समस्या है पानी की निकासी को लेकर। हाँ, यहाँ पे अगर बनाना भी चाहते हैं तो लोग बोले यहाँ से नहीं ऐसा करो ऐसा करो, फिर कहाँ से हो पाएगा। अच्छा, अगर एक घर के आदमी अगर कोई सोखता बनवा दिया जाए, इसकी भी सुविधा हो सकती है। हालांकि प्रधान जी भी बनवाते हैं सोखता, ऐसी बात नहीं है, बनती है ना। गाँव में कहीं बना है बना है अब नल के, जैसे सरकारी नल जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे शुरुआती हो रहा है, बना है, शुरू किया जा रहा। हाँ, अब शुरू किया जा रहा है। और लाइट भी नहीं है, देखो खंबे में जगह जगह गांव में लाइट लगी, यहाँ पर कहीं हैलोजन है ही नहीं है, लाइट है ही नहीं, सुविधा नहीं है। अच्छा, कुछ लाइट की वैसे भी प्रॉब्लम है, जगह जगह बिगड़ जाता है, दो दो तीन दिन लाइट ही नहीं आती है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। एक चीज हम बता दें हम आपको, हमारे घर पे भी ट्रांसफार्मर बगल में है, वो भी कभी कभी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। बीच में कनेक्शन में भी वो गड़बड़ी हो जाती है ना, तो दो तीन जगह जल जाता है, तो दो तीन दिन बनता ही नहीं है। जो लैंडमैन आते हैं तो बोलते हैं कि 100 दीजिए 200 दीजिए, बनाएंगे ऑटोमेटिक बना लेते हैं, फिर बिगड़ जाता है। पैसा लेकर काम करते और क्या, पैसे लेते हैं 100 200 दीजिए, फिर बनाएंगे फिर बिगड़ जाता है, ऐसे होता है, ऐसे करते हैं। समस्या है कहाँ। अच्छा, अगर हम आप नाली की यहाँ समस्या बात कर रही हैं, जैसे हम चक्रोट की बात करें, खड़ंजे की बात करें, आने जाने में जो दिक्कत होती है, सुविधा होती है, इसको लेकर के कहाँ तक सही है कि इसका विकास कहीं हुआ है कि नहीं। भैया हमारा तो कहीं उधर भी पानी है इधर भी पानी है, सब जगह तैसे नाली की कहीं प्रॉब्लम नहीं है, कहीं नहीं है। नहीं, मैं नाली की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं खड़ंजे की बात कर रहा हूँ, चक्रोट की बात कर रहा हूँ, कहीं नया निर्माण। सुनो भैया, हमारे यहाँ एक है हम लोग को खेत जाने के लिए, दो ठाकुर का खेत है, अगर जाते तो बोलते हमारे मेड़ से नहीं जाइए इधर जाइए, हम लोग किधर से जाए, उधर हम लोग का लास्ट में खेत है। बड़ी समस्या। हाँ, उधर चक्रोड की बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन लोग पढ़ने नहीं देते हैं। खड़ंजा पास हुआ है लेकिन बनता ही नहीं है। अच्छा, ये शौचालय आपका? ये तो हमारे ससुर जी का है, हमारा तो अंदर है। अच्छा, मतलब एक ही में क्या, अलग नहीं है? अलग अलग है, ये हमारे ससुर का, हमारा अलग है, हम अलग है ना। अच्छा अच्छा, तो ये हमें लगता है पूर्ण रूप से भी बन भी नहीं पाया, ये अधूरा है। क्यों? बना है। वैसे अगर हम खोल के देखें, जरा दिखाया जाए। जो नहीं बोले कि सीट बैठती भैया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए सीट नहीं बैठा, उसको गिरवाना चाह रहे हैं, अलग बनवाना ना, इसीलिए। अभी आप सही बोले हैं, तो अब नहीं खोलेंगे, अब नहीं खोलेंगे, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सीट नहीं बैठी है, सीट नहीं बैठी है, बैठती, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हमारे दो इसको गिरा के दूसरी साइड में बनाएंगे, ये बनने गए, बना ये गलत जगह बना, वो लोग दिल्ली में थे, तब पैसा लेने की जरूरत थी इसलिए जल्दी में बन गया, नहीं तो बारह नहीं, ये गलत किए ना, तो हमारे देवर का कहना नहीं माने, अपने हिसाब से बनवा दे, तो लोग गिरा के घर के हिसाब से फिर से बनाएंगे। ठीक है, आप मौजूद हैं इस समय हम ग्राम सभा माझा सुनौरा में, और अभी हमने इस ग्राम सभा के कुछ लोगों से बात किया, जाना यहाँ के विकास के बारे में, तो अपने कहने के मुताबिक हम पहुँच गए हैं इस ग्राम सभा के प्रधान जी के निवास पर, और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय भाई साहब, इनके बाबा जी प्रधान हैं, कार्यभार यही देखते हैं। आइए जानते हैं इनसे, इनके 4 साल के कार्यकाल के बारे में पूछते हैं इनसे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। क्या नाम है आपका? अमित सिंह। भाई साहब, आपके गाँव में हम प्रवेश किए हैं, सबसे पहले आप बताइए आपको क्या समस्या लगती है अपने गांव में विकास को लेकर के, कि अभी ये बहुत ज़रूरी है, विकास कर देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि 5 साल काम करने के लिए तो काफ़ी होता है जी, लेकिन धन आवंटन और ये सब बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से पूरा काम कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, समस्याओं की वजह से। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ 2-3 समस्या, एक ऐसी समस्या है जिससे गांव का अभी भी बहुत सारा विकास बाकी पड़ा हुआ है, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता है नाली की। आप हलते हुए ही जैसे आप प्रवेश किए होंगे गाँव में, आपको दिखा होगा कि रोड पर पानी बह रहा है, सबसे बड़ी समस्या है। मैं इसको बहुत दिन से दूर करने के लिए लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, कुछ आधा अधूरा बचा हुआ है, पूरा भी नहीं हो पाया है। हमें लगता है 5 साल का जो कार्यकाल होता है, इसको बढ़ा करके 7 साल कर दिया जाए तब हो सकता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, समय पूरा मिलना चाहिए, और थोड़ा कुछ अधिकार ऐसे हो जाते हैं, अधिकार से प्रधानों को अभी वंचित किया गया है कि जो चाहते हुए भी उस काम को आपत्तियाँ बस या किसी और चीज़ बस मैं असक्षम हो जाता हूँ कि उस काम को
करने में कि कहीं अच्छा, क्या आपत्ति आती है नाली बनवाने की? जैसे गांव का गांव के बहुत सारे लोग दबाव करने लगते हैं, अब जिसके घर के पास से अगर नाली निकलती है तो कहते हैं कि नहीं इधर से न ले जाओ उधर से लेके, उसका भी विकल्प है आप बीच रास्ते से निकलवा दीजिए नाली। बीच रास्ते से निकलवाने के लिए हमारे यहाँ जिस हिसाब से समस्या है उसकी, उस हिसाब से बजट इतना ज़्यादा लगेगा, छोटी ग्राम सभा होने के कारण हमारे यहाँ 1899 की आबादी है, उस हिसाब से बजट हमारे यहाँ बहुत कम आता है। और एक ही समस्या नहीं, अभी हमने 5 साल में अपने जो भी बजट मैंने इकट्ठा किया था, सोच के यही किया था कि मैं इसको पहले नाली बनवाऊंगा किसी भी कीमत पे, लेकिन हमारे यहाँ 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और दोनों प्राथमिक विद्यालय बूथ होने के कारण जो है हमारा सबसे कायाकल्प में डीएम साहब का, सीडीओ साहब का शासन का पूरा आदेश था। ठीक है, कायाकल्प में आप कार्य कर रहे हैं, हाँ। कितना दिन से आप कायाकल्प में लग गए हैं, जो गांव के विकास अभी इस तरीके से रुका हुआ है, कितना दिन पहले से लगा? लगभग 2 साल से काम, 2 साल से, 2 साल कार्यकाल 4 साल पूरा हो गया है, उससे ज्यादा भी, 2 साल पहले से ये किया गया। क्या उसके पहले से ये नहीं होता कर सकते थे कि सबसे पहले जो गांव की प्राथमिकता होती थी होती है नाली और खड़ंजे की, ठीक है, तो क्या उसमें नहीं बन सकता था ये? नहीं, आपने अभी जैसे कहा कि प्राथमिकता होती है गांव की नाली खड़ंजा, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, एक ही काम तो है नहीं, हर पूर्वे में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई किसी को खड़ंजा चाहिए, जाने का रास्ता नहीं है तो वहाँ खड़ंजा बैठाया गया। अब एक ही चीज़ थोड़ी यहाँ पे कि नाली बना, सबसे पहले आपने कहा कि मैं पहली बार सबसे पहले मैंने काम किया था, आप गांव पूछ लीजिए, सबसे पहले नाली का ही काम किया नहीं, था। लोगों ने ये भी बताया कि नाली बनी भी है, ऐसी बात नहीं है, बना है नाली, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं बना है, ये कारण हम जानना चाहते हैं। नहीं, यही चीज़ है, ठीक है, हम जान गए कारण क्या, किस लिए नहीं बन पा रहा है। अच्छा, आप खड़ंजे की बात कर रहे हैं, कितनी दूरी का कहाँ पे करवाया गया खड़ंजे? लगभग ये मान के चलिए हमारे कार्यकाल में 4 साल के अंदर में लगभग 1800 मीटर खड़ंजा हमने, उसमें जो है 200-400 मीटर का रिपेयरिंग है, बाकी नया खड़ंजा हमने लगवाया है उतना, और उसमें स्टोलिंग भी है, इंटरलॉकिंग हमने लगवाया है। एक लास्ट सवाल होता है, लेकिन वो आपसे हम करेंगे नहीं, कि वो आपको हम बताएंगे जरूर। लास्ट सवाल हम ये पूछते हैं, समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास आप क्या करेंगे, लेकिन हम आपको एक सलाह जरूर देना चाहेंगे, उस समय कम है, ज़्यादा से ज़्यादा विकास आप अगर नाली बनवाने को लेकर के अगर इस पर ध्यान दे देंगे तो आपका गाँव, अभी जैसे आप कह रहे हैं, अभी आप चलिए मैं दिखवा देता हूँ, आज एक गाँव के जैसे कहते हैं कि आप समस्या क्या आती है, हम काम शुरू करवाए हैं, उसका काम चल भी रहा है, चार जैसे अब जिसको आपत्ति है, जिस व्यक्ति को, तो उसने कहा कि नहीं हम बनने नहीं देंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं गिरने देंगे, हैं तो ऐसे ऐसे लोगों ने कहा, तो हमने कहा कि भैया आप समय ले लीजिए, आप इसको अगर पता कर लीजिए कहीं भी कैसे भी, या आप कोई दूसरा विकल्प हमको बता दीजिए, या किसी हिसाब से आप हमको ला के इसको रुकवा दीजिए, किसी सक्षम अधिकारी को ला के इसका सर्वे करवा लीजिए कि ये काम अगर गलत हो रहा है, नाली अगर बन रही है और गढ़ही में जाके गिर रही जो कि ग्राम सभा की गढ़ही है, तो उसके बाद मैं क्या गलत कर रहा हूँ? उनको 2 दिन का समय मांगे थे, मैंने उनको 4 दिन का समय दिया, आज तक वो हमारे पास ना कुछ कर पाए ना, यही है कि धीरे धीरे बनेगी नाली, उस पर काम भी चल रहा है, काम चलवा रहे हैं, आप जाके देख भी सकते हो, आधा अधूरा भी पड़ा हुआ है, बशर्ते यही है कि हमने जो समय दिया था उस समय अगर उनको पूरा हो जाए, नहीं करेंगे तो नाली बनेगी, उसका प्राप्त हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ये मौजूद थे ग्राम सभा माझा सोनोरा के प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब, इनके बाबा जी प्रधान है, इन्होंने बताया अपने 4 साल के कार्यकाल के बारे में, जो कम समय बचा है अपने गांव की नाली बनवाने में ज़्यादा समय देंगे और विकास करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इच्छुक हैं। धन्यवाद।